वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज हम बनाएंगे माय फेवरेट पेस्तो पास्ता की रेसिपी, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में लेंगे पानी, जिसको हमें बॉईल करना है। पानी जब बॉईल होगा उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसमें हम डाल देंगे एक कप पेने पास्ता। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे जार में 2 कप बेसिल लीव्स, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें डालेंगे 1/3 कप पिकांस। अगर आपके पास पिकांस नहीं है तो आप वॉलनट का यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, 1/3 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून चीज़ डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस चीज़ था, मैंने वही यूज़ कर लिया है। इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट ग्रीन है और स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर बटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक, 1/2 कप अनियन। इसको हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए सौते करना है। इसमें डालेंगे 1/3 कप कैप्सिकम, 1/2 कप मशरूम। इसको भी हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए सौते करना है। अभी हम डाल रहे हैं करीब 8-10 चेरी टोमेटोस और साथ में 8-10 पनीर के क्यूब्स भी डाल लेंगे। सब्जियों को हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सौते करना है ताकि सब्जियों का क्रंच मेंटेन रहे। हमारा पास्ता भी अभी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसको ऐड कर लेंगे वेजीज में। तो दोस्तों, मैंने सारा पास्ता इसमें ऐड कर लिया है। अभी मैं इसमें डाल लूँगी हमारी पेस्तो सॉस। तो करीब 2 बड़े चम्मच यहाँ पे पेस्तो सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पास्ता वाटर। तो करीब 1/3 कप मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड करें। इसको हमें अभी अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, हमारी सॉस अभी अच्छे से मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं पास्ता में कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। चलिए, इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। वापस से एक बार मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी बेसिल लीव्स भी डाल रही हूँ, तो इसको मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी। तो दोस्तों, पास्ता को हम अभी सर्व कर लेते हैं। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बेसिल लीव्स से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आसान सी पेस्तो पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।